नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सुटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज हम चैप्टर 2 में फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होता क्या है, जनरली इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया को हम क्यों प्रेफर करें, ऐसा हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और आज बात करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, डिटेल में स्टडी करेंगे अभी तक कितने एडिशन आ चुके हैं और कौन कौन सी एडिशन में कितने अमेंडमेंट या एडेंडम आए हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फार्माकोपिया समझना है तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो बेसिक से कुछ टर्म है उनको चलो समझ लेते हैं। तो पहला टर्म हमारा आ जाता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है, जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ग्रीक वर्ड। एक का नाम है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, किसी भी कोई भी ड्रग है उसका मतलब होता है, जो फार्माकोन है, फार्माकोन का मतलब होता है कोई भी ड्रग, और कोइया टू मेक मीन्स होता है। तो कोई भी फार्माकोपिया है दो वर्ड से मिलके बनी है, पहला है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और दूसरा कोइया जिसका मतलब है टू मेक, किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करना, उसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी में सेकंड टर्मिनोलॉजी की, तो मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं, तो मोनोग्राफ किसी भी ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। जैसे पैरासिटामॉल है, उसके बारे में डिटेल जो स्टडी निकल के आती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको यूज कैसे करेंगे, उसको कितनी क्वांटिटी में हमें उसमें मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल के उसे हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ और कितना एक्सपिएंट डालना है, ये चीज़ हम किसमें देखते हैं, फार्माकोपिया में, और जो उसके अंदर मोनोग्राफ होते हैं उसमें हम देखते हैं। बात करेंगे अडेंडम की, अडेंडम क्या होते हैं या फिर सप्लीमेंट क्या होते हैं। बहुत सी यदि फार्माकोपिया आप पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा कि अडेंडम और सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। तो अडेंडम होते क्या हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अडेंडम मीन्स कोई भी एडिशनल चेंजेस या मटेरियल को ऐड करना उस फार्माकोपिया में या उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ के ऊपर, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, अडेंडम कहलाती हैं। बात कर लेते हैं डिफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। फार्माकोपिया कैन बी डिफाइंड एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड अप्लीकेबल टू द ड्रग एंड देयर कॉमन डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एक्ट पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स गवर्नमेंट। तो फार्माकोपिया क्या होती है कि फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जो कि जो कॉमन डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या फिर हम फार्मास्यूटिकल कोई एड बना रहे हैं, उसको बनाने में या फॉर्म करने में जो एज अ प्रेफरेंस या रेफरेंस बुक यूज करते हैं, जो कि हमारी जो जिस कंट्री में ये पब्लिश हुई है उस कंट्री के ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा इसको पब्लिश करवाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं। इसे कौन पब्लिश करवाता है, गवर्नमेंट पब्लिश इसको करवाती है। और बात कर लेते हैं कुछ अदर फार्माकोपिया की, तो अदर फार्माकोपिया में आ जाते हैं कई सारी फार्माकोपिया, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी खुद की फार्माकोपिया को छापती हैं। जैसे कि हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया, हमारे भारत देश में एक खुद की फार्माकोपिया है जो कि एज अ रेफरेंस बुक यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर कहीं कॉलेजों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग फार्माकोपिया यूज की जाती है। तो ऐसे भारत में हमारे इंडियन फार्माकोपिया एज अ रेफरेंस बुक यूज की जाती है, और भी फार्माकोपिया इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांचेस में यूज की जाती है, वो ऐसे नहीं है कि जो है केवल इंडियन फार्माकोपिया ही यूज की जाती है। बात करें अदर टाइप में ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित में रहती है हमेशा, जो कि हर साल उसका बदलाव होते रहते हैं और नया नया एडिशन आता रहता है, हर ईयर में
एडिशन एक नया आ जाता है हर ईयर में। बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसे हम यूएसपी के नाम से भी जानते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लागू किया जाता है और उसके द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। बात करें यूरोपियन फार्माकोपिया की, जिसे हम ईपीवी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूरोपियन फार्माकोपिया एक कंट्री है यूरोप, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है। जैपनीज फार्माकोपिया की बात करें तो जापान के द्वारा ये जैपनीज फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है। ऐसे कई सारे जो कंट्रीज हैं वो करीब अपनी अपनी खुद की फार्माकोपिया छापते हैं और उससे ही रेफरेंस बुक एज ए यूज करते हैं। व्हिच आर पब्लिश्ड बाई अथॉरिटी और कमीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, या उसको उसकी अथॉरिटी ही पब्लिश कर सकती है, या फिर जो वहाँ की कंट्री की रिस्पेक्टिव कमीशन है उसके द्वारा इसको पब्लिश करवाया जाता है। आगे बात करेंगे हम भारतीय फार्माकोपिया के बारे में, या इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड इन इंडिया। तो ये क्या है, इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो कि स्टैंडर्ड ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको यूज किया जाता है एज अ मार्केट में, इंडियन मार्केट में इसको फार्मेसी के क्षेत्र में इसको ड्रग को बनाने के लिए एज अ रेफरेंस बुक हम यूज करते हैं। इट इज पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ये पब्लिश की गई थी की जाती है। ये इंडियन फार्मेसी कमीशन पहली बार कब पब्लिश किए कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये 1956 में ये आया था। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर के द्वारा इसको पब्लिश करवाया जाता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया है। द इंडियन फार्माकोपिया द अथॉरिटेटिव प्रोसीजर फॉर द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग टू इंश्योर देयर क्वालिटी प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्या है कि एक कंटेन करता है एक अथॉरिटेटिव प्रोसीजर के बारे में, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ड्रग को, और जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, प्योरिटी को एंड स्ट्रेंथ, किसी भी ड्रग की क्या स्ट्रेंथ है उस चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। द आईपीसी वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो आईपीसी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, वो हमारी इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत उसको गठित किया गया था या फॉर्म्ड किया गया था। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आर एन चोपड़ा अलॉन्ग विद द नाइन अदर मेंबर इन 1946। जो इसकी लिस्ट तैयार की गई थी फार्माकोपिया की, तो वो कमेटी के द्वारा तैयार की गई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर आर एन चोपड़ा और उनके साथ 9 अदर मेंबर थे जो कि इसमें सहयोग के तौर पे थे। और इसे कब पब्लिश किया गया था या कब लिस्ट तैयार की गई थी, 1946 में तैयार की गई थी, ये याद रखना पॉइंट। आगे बात करें, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1955। पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश किया गया था, तो 1955 में, याद करने वाला पॉइंट है, 1955 में इसको पब्लिश किया गया था, जिसके जो कि लगातार इंडियन सरकार के द्वारा या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं और इसके अमेंडमेंट और नए नए एडिशन आते रहते हैं। और बात करें लेटेस्ट एडिशन की, तो 9th एडिशन इज अ लेटेस्ट एडिशन, जिसका 2 एडेंडम अभी तक आ चुके हैं, जो कि एक फर्स्ट एडेंडम दिसंबर 2022 में आया था, दूसरा एडेंडम जो है जनवरी 2024 में आ चुका है, और ये 2022 में अगस्त में पब्लिश की गई थी बुक, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया का 9th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है, वो हमारा 2022 में पब्लिश हो चुका है। बात करेंगे हम लिस्ट की कि कितने एडेंडम, कितने अभी तक एडिशन आ चुके हैं, तो
और कौन सा एडिशन कब आया था, उस चीज के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे, ये हमारा क्या है, एडिशन का कॉलम है। फिर ईयर, किस ईयर में पब्लिश किया गया था, बात करेंगे। एडेंडम और सप्लीमेंट दोनों एक ही वर्ड है, कोई भी एडिशन चीजें कब कब हुई हैं और उसका पब्लिकेशन कब आया है। बात करेंगे वॉल्यूम, जो कितने वॉल्यूम में हमारी वो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, उस चीज को हम कैटेगराइज करेंगे। और कितने मोनोग्राफ उसमें ऐड हुए हैं, उस चीज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि 1955 में आई थी। उसमें सप्लीमेंट कितने थे, 1960 सप्लीमेंट टोटल उसमें थे, जो कि दो वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और उसका नए मोनोग्राफ उसमें जो है 986 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए थे। बात करें हम सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो उसमें वो जो है 1966 में पब्लिश की गई थी, जो कि 1975 में उसका एडेंडम आया था। एडेंडम कब आया था, 1975 में। ये तीन वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, जिसमें 890 टोटल मोनोग्राफ एडिशन हुए थे उस समय पर। बात करेंगे थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि 1985 में आया था। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, 1985 में आया था, जिसका एडेंडम 1989 और 1991 दो समय में उसके एडेंडम आए थे। और ये दो वॉल्यूम में इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी। बात करेंगे कितने मोनोग्राफ उसमें नए ऐड हुए थे, तो टोटल 261 नए मोनोग्राफ उसमें ऐड किए गए थे। फोर्थ एडिशन की बात करें, तो वो जो है 1996 में पब्लिश हुई थी, जिसके तीन एडेंडम नहीं, चार एडेंडम टोटल आए थे, जिसमें एक वेटरनरी सप्लीमेंट भी था। ठीक है, तो पहला एडेंडम 2000 में आया था, और साथ ही एक वेटरनरी सप्लीमेंट भी 2000 ईयर में ही आया था। बात करें 2002 एडेंडम की और 2005 एडेंडम, ये दोनों बाद में ऐड हुए हैं। ये तीन वॉल्यूम में बुक आई थी, जो है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तीन वॉल्यूम में आई थी, जिसमें टोटल 2000 वाले एडेंडम में 1149 एडिशन हुए थे नए मोनोग्राफ की, और वेटरनरी सप्लीमेंट में 208 टोटल मोनोग्राफ आए थे, और 9 अदर मोनोग्राफ जो कि 2002 वाले सप्लीमेंट में आए थे। करेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो कि 2007 में पब्लिश की गई थी, जिसका एडेंडम 2008 में ही आ गया था। बात करेंगे ये कितने वॉल्यूम में थी, तो ये तीन वॉल्यूम में भाई थी, तीन वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी भाई। फिर बात करेंगे इसमें कितने नए मोनोग्राफ ऐड किए गए थे, तो 271 मोनोग्राफ नए इसमें ऐड किए गए थे। बात करेंगे सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो जो कि 2010 में आई थी, जिसके 2012 में एडेंडम आया था, एडेंडम उसका 2012 में आ गया था, वो भी तीन वॉल्यूम में इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, जिसमें 52 नए मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। सेवंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की बात करें, तो 2014 में आई थी, जो कि उसका एडेंडम कब आया था, तो 2015 और 2016 में उसका नए एडेंडम, जो भी नए एडिशन हुए थे उनको जो है 2015 और 16 में कर दिया गया था, जिसका टोटल चार वॉल्यूम में इसकी जो है बुक आई थी। जो चार वॉल्यूम में इंडियन फार्माकोपिया फोर सेवेंथ एडिशन है, वो चार वॉल्यूम में आई थी, और उसमें टोटल जो चेंजेस किए गए थे वो 577 चेंजेस किए गए थे नए मोनोग्राफों की, और उसको एडवांस बनाया गया। बात करेंगे एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, आठवां एडिशन की बात करें, जो कि 2018 में पब्लिश की गई थी, किया गया था, जिसमें दो एडेंडम उसमें भी आए, 2019 और 2021 में दो एडेंडम, पहला एडेंडम 2019 और दूसरा एडेंडम 2021 में आया था, जो कि चार वॉल्यूम की बुक आई थी, रेफरेंस बुक। फिर उसमें 220 चेंजेस टोटल नए मोनोग्राफ उसमें ऐड किए गए थे। न्यू लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की बात करें, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया
जो कि यदि कोई क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पुटअप हो सकता है, क्वेश्चन कभी भी पूछा पूछा जा सकता है आपसे, कहीं भी परीक्षा में यदि जाते हैं तो पूछ लेता है कि नए एडेंडम 2024 नाइन्थ एडिशन का न्यू एडेंडम कौन सा है या कब आया था, ये पूछ सकता है। या फिर ये सीधे क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा 8th एडिशन, 9th एडिशन या 10th एडिशन, जो कि अभी तक नहीं आया है। यदि दे दिया तो आप कौन लगाएंगे, क्या पता, तो सीधी सी बात है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि 9th एडिशन अभी तक आया है और उसके दो एडेंडम अभी तक पब्लिश हो चुके हैं, जो कि 2022 में भी आ गया था, दिसंबर 2023 में, नहीं, सेकेंड एडेंडम जो है यहाँ पर 2022 ही है, 23 नहीं है, दिसंबर 2022 में आया था सेकेंड एडेंडम, फर्स्ट एडेंडम, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट होगा, फर्स्ट सप्लीमेंट 2022 में आया था, जो कि 2000 दिसंबर में ही आ गया था, और जिसमें जो कि फार फोर वॉल्यूम में ये बुक आती है और 92 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं। और सेकेंड एडेंडम की बात करें तो जो कि 2024 में अभी जनवरी फर्स्ट में ही आया था, ये 2022 में आई थी 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। है द टोटल नंबर ऑफ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 9th एट विच आर डिस्कस बिलो, अभी तक टोटल नंबर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कितने पब्लिश हुए हैं, तो 9 9 एडिशन पब्लिश हुए हैं, जिनको हम नीचे एक एक करके समझेंगे आगे चल आगे होने वाले लेक्चर में। बात करेंगे फर्स्ट एडिशन जो कि 1955 में, पता है आप सभी को पता है 1955 में आया था। सेकंड एडिशन की बात करें तो 1966 में आया था। थर्ड एडिशन की बात करें तो 1985 में आया था, जिसके एडेंडम कब आए थे, 1989 और 1991 में। फिर बात करें फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि 1996 में आई थी, जिसका जो एडेंडम आए थे 2000 में आया था, और 2000 में ही एक वेटरनरी सप्लीमेंट आया था, उसको भी हमने देख लिया, 2000 में ही फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए एक सप्लीमेंट आया था अलग से। फिर बात करें 2002 की और 2005 की, ये एडेंडम और भी पब्लिश हुए थे आगे चल के। आगे बात करें फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो कि 2007 में पब्लिश की गई थी, जिसका एडेंडम जो है 2008 में आया था। दिस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द फॉलोइंग 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। पहले वॉल्यूम में बात की जाती थी जर्नल नोटिस, प्रिफेस, जो भी हम बुक जब पब्लिश करते हैं तो आप ये 2-3 पेज पलटेंगे तो उसके आगे लिखा होगा प्रिफेस, उसमें बताया जाता है उस बुक में किसके बारे में बताया गया है, उसका क्या मोटिव है, उन चीजों के बारे में प्रिफेस में डिस्कस कर लिया जाता है। बात करेंगे और इसमें दिया गया होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताया जाता है कि उसका कैसे उसके टॉपिक अलग अलग डिस्कस किए गए हैं, एक्नॉलेजमेंट जो एक नया टॉपिक ऐड कर दिया जाता है उसके बारे में क्या है, और इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में डिस्कस किया था। बात करें सेकेंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो जिसमें जो है डील करता है या जनरल मोनोग्राफ के बारे में ऑफ जो ड्रग हैं या सबस्टांसेस हैं या डोजेस फॉर्म में और फार्मास्यूटिकल ऐड, जितने भी ये सारे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जनरल मोनोग्राफ दिया गया है, जो कि ए से लेके एम तक डिस्कस करता है सेकेंड वॉल्यूम में, अल्फाबेटिकल ए से लेके एम तक जो मोनोग्राफ है, जनरल मोनोग्राफ जो कि ड्रग के ऊपर हो, चाहे सब्सटांस के ऊपर हो, चाहे डोजेस फॉर्म के ऊपर हो और चाहे फार्मास्यूटिकल ऐड के ऊपर हो, इन सभी के ऊपर जो है जनरली वो डिस्कस करता है अल्फाबेटिकली, तो ए से लेके एम तक सेकेंड फिफ्थ एडिशन के सेकेंड वॉल्यूम में डिस्कस किया है। बात करें थर्ड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि फिफ्थ एडिशन का है, तो जिसमें कि ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में जो मोनोग्राफ कंटेन कर रहा है, तो ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में कंटेन करेगा मोनोग्राफ, जो कि ऊपर एम ए से लेके एम तक था, तो वहीं से आगे से उसके उठा लेगा एन से लेके जेड तक, वो डिस्कस करेगा उसके बारे में। दिस वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कंटेन मोनोग्राफ ऑफ वैक्सीन एंड
इम्यूनोसेरा, हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड वेटरनरी प्रोडक्ट। इस इंडियन फार्माकोपिया के वॉल्यूम में जो है कंटेन किया गया था उस मोनोग्राफ के बारे में भी, जो कि वैक्सीन हो सकता है, इम्यूनोसेरा हो सकता है, हर्ब्स होते हैं और हर्बल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं और ब्लड हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजीज रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं और वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, जब डिस्कस इसको किया गया। कर लेते हैं 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि 2010 में पब्लिश की गई थी और उसका एडेंडम जो है 2012 में आया था। ये कंसिस्ट करता है 3 वॉल्यूम में, इसकी जो है इंडियन फार्माकोपिया आई थी। कितने वॉल्यूम में आई थी? 3 वॉल्यूम में इसकी इंडियन फार्माकोपिया जो आई थी 2010 में, 6th एडिशन है वो, 3 वॉल्यूम में आई थी। पहले वॉल्यूम में जो है कंसिस्ट करता है जनरल नोटिस, प्रिफेस, स्ट्रक्चर, आईपी ऑफ द एआईपीसी, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर के बारे में ये फर्स्ट वॉल्यूम में डिस्कस करता है। बात करें सेकंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया 6th एडिशन आईपी के बारे में, तो ये कंसिस्ट करता है जनरल नोटिस एंड मोनोग्राफ रिलेटेड ऑफ डोजेस फॉर्म ड्रग सब्सटेंसेस एंड फार्मास्यूटिकल एड फ्रॉम ए टू एम। इसमें क्या बात करता है सेकंड वॉल्यूम में, तो इसमें से जो 5th एडिशन है उससे और इससे यदि कंपैरिजन करें तो जनरल सी चीजें इसमें डिफरेंस आती हैं। तो वहां पर फर्स्ट वॉल्यूम में हमारी जो है जनरल नोटिस आ रही थी, तो यहाँ पर सेकंड वॉल्यूम में ये जनरल नोटिस दे दिया गया है और मोनोग्राफ के बारे में भी बताया है। बात करें डोजेस फॉर्म के बारे में, तो उसमें भी था, इसमें भी सेकंड वॉल्यूम में था। और ड्रग सब्सटेंसेस फार्मास्यूटिकल एड के बारे में ए से लेके अल्फाबेटिकली एम तक उसने डिस्कस किया है ब्रीफ में, जिसमें स्ट्रक्चर हो सकता है फार्मास्यूटिकल एड, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे ड्रग को सब्सटेंसेस को कैसे ऐड करना है, कितना डोजेस फॉर्म देना है किसी, ये सारा चीज वॉल्यूम सेकंड में डिस्कस किया है। वॉल्यूम थर्ड की बात करें तो उसमें जो भी ड्रग हम सब्सटेंसेस ले रहे थे, फार्मास्यूटिकल एड ले रहे थे, डोजेस फॉर्म ले रहे थे, उन चीजों के बारे में एन से लेके जेड तक उसने थर्ड वॉल्यूम ऑफ 6th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया में डिस्कस किया है। दिस वॉल्यूम आल्सो कंटेन मोनोग्राफ ऑफ वैक्सीन इम्यूनोसोरा यूज्ड बाय ह्यूमन। तो ये एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में भी वैक्सीन के बारे में, इम्यूनोसोरा के बारे में, जो कि ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी डिस्कस किया गया है। हर्ब और हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में भी यूज किया गया, बताया गया है। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके बारे में डिस्कस ब्रीफली किया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में भी इसने जो है ब्रीफ में हमें इंट्रोड्यूस किया है। आगे बात करें तो 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था और इसका एडेंडम 2015 में आया था। एडेंडम में पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी चीजें जो एडिशन की जाती हैं फार्माकोपिया में उसे हम एडेंडम कहते हैं, ठीक है ना। तो एडेंडम जो है कोई भी एडिशन जो पार्ट है, चाहे मोनोग्राफ हो, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे एनालिटिकल मेथड को यूज किया गया हो जिससे हम एनालिसिस कर पाए, टेस्ट कर पाए किसी ड्रग को, तो वो चीज हमारा एडेंडम कहला जाता है। एक बार फिर से हम क्लियर कर दिए हैं। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि 4 वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी। कितने वॉल्यूम में? 4 वॉल्यूम में ये पब्लिश की गई थी। पहले एडिशन में कंसिस्ट करता है जनरल नोटिस के बारे में, ठीक है ना। कोई भी ड्रग, कोई भी बुक हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले हम जनरली नोटिस जो होती है उनको डालते हैं, फिर बात करेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बारे में भी इसने डिस्कस किया है उसमें जो है, और अबाउट द इंडियन फार्मेसी फार्माकोपिया कमीशन के बारे में इसने आगे डिस्कस किया है। एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर भी उसी में फर्स्ट वॉल्यूम में डिस्कस कर लिया है। बात करेंगे सेकंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, तो जिसमें जनरल मोनोग्राफ ऑफ डोजेस फॉर्म ड्रग सब्सटेंसेस फार्मास्यूटिकल एड एंड, जो कि ए से लेके एम तक डिस्कस किया है, और फिर आगे बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उसी में सेकंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में, जो कि 7th एडिशन है उसमें ऐड कर दिया गया है, जिसमें जो है जो भी ड्रग सब्सटेंसेस हैं, डोजेस फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल एड हैं, जिनको एन से लेके जेड तक डिस्कस किया है।
है ना, और उसमें और भी चीजें थर्ड वॉल्यूम में ही डाल दी हैं, जैसे वैक्सीन हो गया, इम्यूनिसोरा हो गया, और व्हिच आर यूज्ड बाय ह्यूमन, जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता है, हर्ब और हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि कोई भी जैविक पदार्थ हो गए, इंक्लूड किया गया है, और रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में भी थर्ड वॉल्यूम में ही इसमें डिस्कस कर लिया है ना, जो कि हमारा सिक्स एडिशन में नहीं किया गया था। आगे बात कर लेंगे हम फोर्थ वॉल्यूम ऑफ सेवन एडिशन की, जिसमें इसने बताया है कि फोकस किया है वेटरनरी ड्रग्स के बारे में, जितनी भी वेटरनरी ड्रग्स हैं उसके बारे में इसने ब्रीफली डिस्कस किया है, जो कि फोर्थ वॉल्यूम ऑफ इंडियन फार्माकोपिया सेवन एडिशन है। इसमें कंसिस्ट किया गया है मोनोग्राफ के बारे में, डोजेस फॉर्म हो गया, उन जनरल मोनोग्राफ के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि डोजेस फॉर्म हो गया, ड्रग सब्सटेंसेस हो गए, फार्मास्यूटिकल ऐड हो गए, वेटरनरी प्रोडक्ट हो गए, इन सब के बारे में इसने ब्रीफली डिस्कस किया गया है फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया में, है ना। बात करेंगे 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि 2022 से पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो हमारा 8th एडिशन ही लेटेस्ट एडिशन हुआ करता था, तो आज के समय पर ये हमारा जो है चेंज हो गया है और ये बन गया है हमारा सेकेंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो कि अभी तो 9th एडिशन चल रहा है लेटेस्ट एडिशन। अब 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो कि 2018 में पब्लिश किया गया था, जिसके अडेंडम्स जो है 2019 और 2021 में आए थे, जो भी जनरल चेंजेस हैं वो 2021 और 2019 में ही आ गए थे। बात करेंगे इसमें एडिशन ऑफ 220 नए मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, जिसमें इंक्लूड थे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट, डोजेस फॉर्म, एंटीबायोटिक, मोनोग्राफ, इंसुलिन प्रोडक्ट एंड हर्बल प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने मोनोग्राफ जो ऐड किए थे 220, तो इनसे रिलेटेड मोनोग्राफ को ऐड किया गया था। बात करेंगे दिस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 4 वॉल्यूम, जो इंडियन फार्माकोपिया 8th एडिशन है उसको जो है 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। वेयर ये इम्फेसिस वेयर इट एम्फेसिस ऑन द वेयर ऑन द मोर स्पेसिफिक एंड एडवांस एनालिटिकल मेथड सच एज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड HPLC के बारे में इन्होंने एडवांस लेवल पे काम किया है ना। बात करेंगे अब 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसको सभी को आना चाहिए इसके बारे में कि 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या है, उसके साइलेंट फीचर क्या है, और कब पब्लिश की गई थी, उसके अडेंडम कब कब आए हैं, और उसका मेन मोटिव क्या है, कितने जो है नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमसे अलग अलग एग्जामों में अलग अलग जगह पर पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की, जो कि 2022 में पब्लिश हुई थी, याद रखना पॉइंट को, 2022 में पब्लिश की गई थी, जिसका एडेंडम 2022 में आ गया था, तो 2022 में पब्लिश हुई थी ना, वही उसी का एडेंडम कब आया था, 2022 दिसंबर 2022 में आ गया था, और दूसरा एडेंडम 7 जनवरी 2024 में आया था, ठीक है ना, डेट तक याद रखना भाई लोग, ठीक है ना, डेट याद रखना कि कब आया था दूसरा एडेंडम, 7 जनवरी 2024 को ये सेकेंड एडेंडम आया था। द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था, कौन सी एडिशन, फोर्थ 9th एडिशन को 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था, जैसे ही हमारा 8th एडिशन था। दिस एडिशन इंक्लूड 92 नए मोनोग्राफ और 12 नए जनरल चैप्टर को इन्होंने इंक्लूड किया गया था, किसमें, 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, यही सारे साइलेंट फीचर भी हैं आपके, ये भी पॉइंट याद रखना। द न्यू मोनोग्राफ, इसमें 92 नए मोनोग्राफ ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट, डोजेस फॉर्म, एंटीबायोटिक, मोनोग्राफ, इंसुलिन प्रोडक्ट एंड अदर हर्बल प्रोडक्ट, इन सबसे रिलेटेड जो नए मोनोग्राफ ऐड किए गए, इन्हीं से सबसे रिलेटेड ऐड किए गए थे। अब बात कर लेते हैं एक चीज, आपको दिखा देते हैं एक नोटिस, है ना,
इससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी कि यदि कहीं झूठ बोल रहे हो तो आपको इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये आपकी वेबसाइट से लिया गया है, चाहे जो इमेज है देख रहे होंगे, ये कहाँ से ली गई है, जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसकी वेबसाइट से ली गई है, जहां पर बता रहा है रिलीज ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आईपी 2022। जो रिलीज डेट है उसकी कब रिलीज हुआ था, 9th एडिशन 2022 में रिलीज हुआ है ना। अब क्लियरिटी आ गई होगी सभी लोगों को, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल जी रहे हैं। पर हमारा लेकिन चैप्टर इंडियन फार्माकोपिया खत्म होता है। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जी हमारा धन्यवाद, थैंक यू।